हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो फैमिली, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी मेरे चैनल पर न्यू है या जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को आगे लाइक और साथ में शेयर। और फैमिली, सब्सक्राइब के जस्ट बराबर में छोटा सा बेल आइकन होता है, उसको भी प्रेस कर दिया करो ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिले। वैसे आज ना मेरा मन बहुत ज्यादा दुखी है और मैं बहुत परेशान हूँ इस बात को लेकर कि ऐसा कैसे हो गया। वैसे मिनी जू में कुछ ऐसा हो गया है जिसकी मैंने उम्मीद भी नहीं की थी और कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। अगर मुझे थोड़ा सा भी अंदाजा होता ना कि ऐसा कुछ आगे होगा तो मैं पहले से ही सब कुछ ऐसा ठीक कर देती जैसा कि मैं अभी तक करती आई हूँ, लेकिन इस बार मुझे कुछ भी पता नहीं चला, सब कुछ अचानक से हो गया। और गाइस चलिए मैं भी आप लोगों को बता भी देती हूँ कि क्या रीज़न है, क्या ही ऐसा हो गया है, और बताती क्या हूँ साथ में आप लोगों को दिखाई देती हूँ। तो उसके लिए हम लोगों को चलना पड़ेगा मिनी जू में, तो आप लोग फटाफट से मेरे साथ मिनी जू में चलिए क्योंकि जो भी कुछ मुझे आप लोगों को दिखाना है वो वहीं पर है। चले दोस्तों, तो फैमिली अभी मैं आ गई हूँ मिनी जू के अंदर। और देखिए हमारा जो ये पिंक वाला केज है इसके अंदर हमारे कोकाटेल्स रहते हैं, और आज ना आप लोगों को एक ही कोकाटेल पैरट दिखाई दे रहा होगा हमारा, जो कि फीमेल है यानी कि हमारी कैंडी। और कोको यहाँ पर आप लोगों को नहीं दिखाई दे रहा है, और कोको कहाँ है वो भी आप लोग सोच रहे होंगे कि अचानक से वो कहाँ चला गया, ना तो वो मिनी जू में है ना इसके अंदर है, तो वो कहाँ है? तो गाइज मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि हमारा जो कोको है वो अभी हमारे मिनी जू को हमेशा के लिए छोड़कर चला गया है, और साथ में मुझे भी और मेरी कैंडी को भी। और गाइज कैंडी जो है ना बिल्कुल देखिए अकेली हो गई है एकदम से, देखिए कैसे बैठी हुई है वहाँ पर। और कोको मैं आप लोगों को दिखाती हूँ गाइज, ये जो आप मिट्टी का एक कटोरा देख रहे हैं ना यहाँ पर, इसके पीछे कोको है। ये रहा हमारा कोको और मैंने अभी इसको बाहर निकाल लिया है, और देखिए आज हमारा जो कोको है वो किस तरह से पड़ा हुआ है। डेली आप लोगों को मैं हमेशा से यही बताती कि हमारे जो कोका टेल्स हैं बहुत प्यारा साउंड देते हैं, दोनों हमेशा एक साथ रहते हैं, और कितना सब कुछ मैं आप लोगों के बारे में बताती थी, दिखाती थी हमेशा अपने ब्लॉग में, लेकिन आज ना कोको इस तरह से चला गया है हमारे मिनी जू को छोड़कर कि बहुत ज़्यादा परेशान हूँ मैं इसको लेकर, और मेरा ना बिल्कुल भी मन भी नहीं लग रहा है जब से ये गया है। पता नहीं गाइस इसको क्या हो गया, वैसे मैंने देखा तो था कि एक दो दिन से ये कुछ सुस्त बैठा हुआ था, लेकिन अगर मुझे थोड़ा सा भी अंदाज़ा होता ना कि ये बीमार है तो मैं इसका ट्रीटमेंट वगैरह करती और इसको ठीक कर लेती। और सुस्त का तो गाइस ऐसा बताऊँ कि ये दोनों ना फीड लेने के बाद में और थोड़ा मस्ती करते रहते हैं, उसके बाद में स्टिक पर जाकर आराम से सो भी जाते हैं, और बहुत बार ऐसे बैठे भी होते हैं शांत स्वभाव में, तो मुझे लगता है शायद रेस्ट वगैरह कर रहे होंगे क्योंकि एक दो राउंड जब मैं लगाने के लिए आती हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इतनी जल्दी इतना सब कुछ हो जाएगा कि मुझे मौका भी नहीं मिलेगा इसको ठीक करने का और इतना सब कुछ हो जाएगा। और गाइस देखिए अभी ना ये छोड़कर जा चुका है हमारी कैंडी को, और कैंडी ना आज बहुत ज़्यादा परेशान है, मैं उसको देख रही हूँ, बहुत कम वो फीड वगैरह के लिए आ रही है और कहीं ना कहीं हमारे कोको को ढूंढ भी रही है। क्योंकि देखिए गाइस हमारे पास ना बाकी के जितने भी मिनी जू में बर्ड्स हैं उनकी क्वांटिटी सभी की हमारे पास ऐसा नहीं है कि एक ही पेयर है, दो पेयर हुए, तीन पेयर हुए, काफ़ी सारी क्वांटिटी में, लेकिन ना कोको एंड कैंडी ये सिंगल पेयर था गाइस हमारे पास, और जिसमें से देखिए एक बिछड़ भी गया है, तो अभी फिलहाल ही कैंडी ही बची है हमारे पास, तो इसको तो परेशान होना ही होना है, दोनों हमेशा से साथ में रहते थे, इसका तो कोई ऐसा फ्रेंड भी नहीं है कि कोई और दूसरा कोका टेल हो या तो मैं इसके साथ इसको रख दूँ, तो ये तो वैसे भी अकेली हो गई है अभी। तो गाइस मुझे ना बहुत दुख होता है हमेशा से ऐसे अगर कोई मेरा बर्ड मिनी जू को छोड़कर जाता है और उसका पार्टनर ऐसे मैं दुखी देखती हूँ ना, तो उसको देखकर और ज़्यादा दुख होता है मुझे। तो खैर गाइस अभी क्या ही कर सकते हैं, हमारा जो कोको है वो तो जा ही चुका है, अब तो वो कभी वापस आने से रहा, लेकिन अभी मैं इसको एक देखिए यहाँ पर एक बास्केट रखी हुई है इसके अंदर इसको रख देती हूँ, और उसके बाद कहीं मैं ठीक सी जगह देखकर और उसको मिट्टी वगैरह में दाब देंगे जैसे कि मैं अपने बाकी परिंदों के साथ करती हूँ। कोई परिंदा डेथ कर जाता है तो मैं उनको मिट्टी में अच्छे से दाब देती हूँ, इसके साथ भी वही करना है क्योंकि इसको ऐसे तो मैं यहाँ पर छोड़ भी नहीं सकती हूँ, और गाइस मेरा बस चले ना तो उनको मरने के बाद भी मैं अपने मिनी जू से कहीं ना जाने दूँ, लेकिन बस कुछ कर नहीं सकती हूँ। तो
खैर इसको गाइस ये तो नेचुरली है, जन्म होना डेथ होना ये तो खैर दोनों अलग बातें, भगवान की देन है तो क्या ही कर सकते हैं। और गाइस यहाँ पर आप लोग मेरे बैक साइड में एक देखिए ब्लैक कलर का मिनी केस देख रहे होंगे, ये ना अभी कुछ ही टाइम पहले मैंने यहाँ पर सेट किया है। अब यहाँ पर मैंने इसको सेट किया है तो सिंपल सी बात है कोई ना कोई परिंदे आने ही वाले हैं हमारे मिनी जू में, तो उसके लिए भी आप लोगों को वेट करना होगा क्योंकि अभी मुझे खुद भी नहीं पता कि वो परिंदे कब तक आएंगे, क्योंकि मैंने ऑर्डर तो दिया हुआ है, मेरी बात भी हो गई है, वो बोल रहे हैं कि जल्दी मेरे परिंदे मेरे पास पहुंच जाएंगे मेरे मिनी जू में, लेकिन अभी कब तक आएंगे वो भी मैं कंफर्म नहीं हूँ, तो मैं आप लोगों को जब ही बताऊंगी जब परिंदे आएंगे, तब तक ना आप लोग गैस कीजिएगा और साथ में अगर मुझे आप लोग बताना चाहें तो कमेंट्स में बता भी सकते हैं कि अभी ना हमारे मिनी जू में कौन से परिंदे की नीड है, कौन से परिंदे हमें लेकर आने चाहिए अपने मिनी जू के लिए, तो फिर हम वही परिंदे लेकर आएंगे, तो जल्दी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा कोई ना कोई सरप्राइज हमारे परिंदों को लेकर, और जब भी परिंदे आएंगे फिर हम उनको यहाँ पर शिफ्ट करेंगे, ठीक है ना। और गाइस मैंने ना गोल्डन फिंच के लिए भी आप लोगों से बोला था कि जल्दी हमारे मिनी जू में गोल्डन फिंच भी आएंगी, तो गोल्डन फिंच भी हम लोग जल्दी लेकर आएंगे, और वैसे भी ना अभी काफी सारा काम बाकी रह रहा है हमारे मिनी जू में, क्योंकि आप लोग देख भी रहे होंगे वैसे तो मैं धीरे धीरे सभी काम जो भी मेरे पेंडिंग पड़े हुए थे वन बाय वन सभी को करने भी लगी हुई हूँ, लेकिन अभी बहुत सारा काम फिर भी बाकी है, जैसे कि हमारे मिनी जू की क्लीनिंग करना हुआ, और साथ में गाइस ना अभी हमारा जो ये मिनी जू है ना इसका जो ये पूरा का पूरा ये जाल वगैरह इसका पेंट होना भी बाकी है, क्योंकि थोड़ा तो पेंट पहले हो गया था लेकिन उसके बाद से पेंट हुआ ही नहीं है, तो अभी ये बाकी का जो रह रहा है ये पेंट भी कराना है और साथ में अभी बहुत सारा काम बाकी है, तो कोई नहीं जैसे जैसे टाइम मिलता रहेगा धीरे धीरे करते रहेंगे। और गाइस वही हमारा जो मेलो है ना वो भी देखिए सभी केस तो ऊपर लग गई है मोस्टली, लेकिन हमारा जो मेलो है वो अभी भी नीचे ही रह रहा है, क्योंकि अभी तक मैं इसको जगह ही नहीं दी है कि मैं इसको कहाँ पर शिफ्ट करूँ, मैं भी सोच रही क्योंकि थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ कि इसकी जो मिनी जिसका मिनी केज है इसको कहाँ पर ही सेट करना चाहिए, तो ना अभी मैंने इसके लिए वैसे दो जगह सोच ही दी है कि कहाँ पर मैं लगाऊँ, तो आप लोग देखिए देख कर बताइए, एक तो ये जो हमारा डायमंड डस्ट का केज है ना इसके ऊपर देखिए स्पेस बाकी है, वहाँ पर अगर मैं मेलो का केज लगाती हूँ तो उसको अच्छा लगेगा बारिश के टाइम में भी और अच्छी हवा भी लगेगी उसको वहाँ पर, और साथ में देखिए एक वहाँ पर ये देखिए यहाँ भी एक स्पेस बाकी है बिल्कुल स्केज के अकॉर्डिंग ही है, तो यहाँ भी मैं इसको शिफ्ट कर सकती हूँ, तो ये ना आप लोगों को मैंने कमेंट से बताना है कि हम अपने मेलो के केज कहाँ पर शिफ्ट करें, यहाँ पर या फिर वहाँ पर, जो लोग कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे फिर वही हम अपने मेलो को शिफ्ट करेंगे, तो ठीक है दोस्तों आज के लिए दीजिए इजाजत, और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, वैसे वीडियो पसंद भी आया होगा नहीं भी आया होगा दोनों ही बात है, लेकिन कोई नहीं फिर भी लाइक कर दीजिएगा और मेरे ब्लॉगर कोकी पेट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, कल मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा अपनी फैमिली और परिंदों का ख्याल रखिएगा, बाय बाय एंड टेक केयर।